हाय दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और मैं बनाता हूँ ट्रैवल एंड टैग वीडियोस। तो जैसे आपको पता है कि वीडियो एंड एडिटिंग क्वालिटी के अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है एंड वो है ऑडियो। अगर ऑडियो आपकी अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वीडियो और एडिटिंग का इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करते हुए आज हम लोग थोड़ा अपनी जो स्टूडियो है उसको बेटर बनाएंगे ऑडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने स्टूडियो सेटअप के लिए लेके आया हूँ, लेकिन स्पेशली आज हम बात करेंगे कैसे एक्विस्टिक फॉर्म शीट है वो सेटअप की जाती है रूम पे। तो ये जो पीछे आप मेरे वॉल देख रहे हो, आज इसमें हम एक्विस्टिक फॉर्म लगाएंगे। तो ये है वो वॉल जिसमें मैं सेटअप करने वाला हूँ एक्विस्टिक शीट। तो ये अप्रॉक्स दीवार वैसे 9x9 की है, बट आज जो हम इसमें शीट लगाएंगे वो सिर्फ 9x6 लगाएंगे क्योंकि मेरे पास शीट कम है। और दूसरा जो रीज़न है कि इस साइड आप देखोगे तो स्विचेज हैं, तो मुझे इस तरफ जाना नहीं है, इस तरफ थोड़ी खाली जगह रखनी है। और तो यहाँ से करीबन 6 फीट यहाँ तक है अप्रॉक्स। थोड़ा नीचे दीवार ख़राब है क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो लेबर भी इतनी आसानी से मिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि इसको कवर करते हैं एक्विस्टिक शीट से, तो ताकि थोड़ा बेटर लगेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में इस रूम में कुछ नहीं है आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इको आता है। अब मैं बताता हूँ कि शीट जो हम लेके आए हों, तो ये वो है शीट्स जो मैंने खरीदी थी। ये टोटल 6 शीट हैं, एक्चुअली ये 2 का बंडल है, बाकी सारे एक एक के बंडल हैं। ये जो मैंने शीट्स हैं वो खरीदी हैं करोल बाग से। करोल बाग में मैं बता दूँ एग्जैक्टली मुझे शॉप का नाम याद नहीं है, बट मैं बता दूँ ये कहाँ से मिल जाएगी। करोल बाग में बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे गद्दे वगैरह ये सब मिलते हैं, वहाँ पे चले जाना आप, बहुत सारी शॉप्स में आपको एक्विस्टिक शीट मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट इसका मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ये जो शीट है ये है 2 इंच की, 2 इंच मोटी, इससे पतली भी आती है, वो करीबन 1.25 से 1.5 इंच होती है। बट मेरे ख्याल से अगर आपको इको ख़त्म करना है रूम में, एक अच्छी साउंड चाहिए, तो 2 इंच इज़ द बेस्ट वन। मैंने ऑनलाइन भी चेक करी थी और ऑनलाइन ना आपको रोल में नहीं मिलता, जैसे आप ये देखोगे तो ये पूरा एक रोल है। ये जो रोल है वो 6x3 है, मीन्स 6 फीट इसकी लंबाई है और 3 फीट की चौड़ाई है। तो ये पूरे ऐसे रोल आते हैं, ये पीसेस में नहीं आते, ऑफलाइन जो ज़्यादातर देते हैं। सस्ते वाले कहूँगा तो यही मिलते हैं रोल में ही, ऑनलाइन आपको रोल में नहीं मिलेगा। ऑनलाइन जो मैंने चेक किया था मोस्टली वो 1x1 फीट के होते हैं, बट प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये जो मेरे को 6x3 के जो मैंने 6 पीसेज लिए हैं वो सिर्फ मुझे पड़े हैं 3,000 के। मतलब अगर मैं 1x शीट में करता हूँ तो पता नहीं कितना होता है, आप कैलकुलेट कर लेना। ये है ऑफलाइन प्राइस। तो अप्रॉक्स आप किसी भी शॉप में जाओगे करोल बाग में, जो गद्दे वाली शॉप है जैसे मैंने बताया, तो आपको ये 500 के आसपास, थोड़ा एक्चुअली बोलते थोड़ा ज़्यादा है, 600 के आसपास बोलते, थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करोगे आप तो आपको 500 पर पीस दे देंगे। एक रोल जो 6x3 का होता है वो आपको 500 में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो देखो बहुत ज़्यादा अच्छी मैं ये हुआ नहीं, बहुत प्रोफेशनल लेवल की क्वालिटी है इसमें, बट जो बिगनर्स हैं या फिर जिनको सिर्फ YouTube वगैरह पे ब्लॉगिंग करनी होती है उनके लिए ये बेटर है, मेरे ख्याल से बेस्ट है, क्योंकि इतने प्राइस में इससे बेटर मिलेगा नहीं। इसको सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले चाहिए आपको कार्टन, ऐसे गत्ते के बॉक्स या कुछ भी गत्ता वगैरह हो आपके घर पे। घर पे भी नहीं है तो आप नियर बाय किसी भी कबाड़ी वाले की शॉप पे चले जाना, आपको थोक पे भाव में ऐसे वो कार्टन वगैरह या गत्ते वगैरह दे देगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको चाहिए ग्लू। ये ग्लू हेल्प करेगा आपके एक्विस्टिक फॉर्म को दीवार पर चिपकाने के लिए, और ये मैंने उसी शॉप से खरीदा था जहाँ से मैंने एक्विस्टिक फॉर्म लिए थे। देन आई टुक द मेजरमेंट कि कितने शेप में मुझे बॉक्सेस को कट करना है। सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे ये करी कि मैं उन बॉक्सेस को कैंची से काटने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे नाइफ यूज करना चाहिए था। हालांकि थोड़ी देर बाद मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया कैंची से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नाइफ यूज कर, एंड उसके बाद काम इजी हो गया। उसके बाद मैंने 1x1 कार्टन के पीसेस में ग्लू लगाना स्टार्ट किया। ध्यान रखना है ये ग्लू बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत केयरफुली लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे ये करी कि मैंने ग्लू को लगाने के लिए यूज़ किया ब्रश, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मुझे यूज़ करना चाहिए था कोई हार्ड प्लास्टिक लाइक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, पुराना वाला नया नहीं, पता चल रहा है आपके घर वाले आपको पीट दें, या फिर कोई ऐसा प्लेन मेटल जिसे मैं इजिली यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद ग्लू भी अच्छे से हट जाए। सच बताऊँ ये लास्ट चीज़ थी जहाँ पे यूज़ किया गया था, उसके बाद वो ब्रश ऐसा हो गया कि वो काम नहीं आया। मैं बहुत ध्यान से कर रहा था क्योंकि बहुत पेशेंस वाला काम है, एक गलती हुई और आपकी शीट खराब हो गई, और यही वो पार्ट था जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें टाइम लगा। अभी 15 से 20 मिनट हो गए हैं गम लगाए हुए, और मैंने उल्टा करके वेट इसलिए रख दिया ताकि अच्छे से सेट हो जाए गम। अब हम लोग दोबारा इसे उल्टा करेंगे और जो हमने साइड साइड में कार्डबोर्ड लगाया हुआ है उस कार्डबोर्ड पे दोबारा गम लगाएंगे, ताकि उस गम को और कार्डबोर्ड को
हम लोग वॉल में फिक्स कर सकें। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट जो गम का और वॉल का कॉन्टैक्ट है वो नहीं होगा। उससे हेल्प क्या होगी, इन फ्यूचर अगर कुछ होता है कि हमें फोम शीट उतारनी पड़ेगी, तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग शीट वॉल पे लगाते हैं तो ग्लू की वजह से शीट फट जाती है। अभी हम कार्डबोर्ड लगाए तो अगर डैमेज भी होगा तो कार्डबोर्ड होगा, तो उस केस में क्या होगा कि शीट एटलीस्ट बच जाएगी। शीट वॉल पे चिपकाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वॉल बिल्कुल साफ रहे। इसके लिए मैं वॉल पे एकदम ड्राई कपड़ा मार रहा हूँ ताकि कोई भी डस्ट वगैरह ऐसी कोई बैठी हो तो वो इजीली निकल जाए एंड शीट अच्छे से चिपक सके। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा मेन टास्क, शीट को वॉल पे चिपकाना। यहाँ पे अगर गलती कर दी तो सब कुछ खराब हो गया। तो बहुत ध्यान से एकदम स्टडी करके दोस्तों, हमारी फर्स्ट शीट लग गई है यहाँ पे। इसको अकेले लगाना तो इम्पॉसिबल है, तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 मेंबर्स चाहिए होंगे जो ये शीट लगाने में हेल्प करें। अब मैं दिखाता हूँ कि वॉल के साइड में ही देखो कैसा है, जो शीट है उसका जो कॉन्टैक्ट है वो वॉल के साथ नहीं है। इससे वॉल भी खराब नहीं होगा, डेफिनेटली जो शीट है वो भी खराब नहीं होगी अगर शीट को निकालना पड़े तो, क्योंकि हमने बीच में कहीं भी ग्लू नहीं लगाया। तो अगर कहीं से भी फटती है शीट तो साइड से ही फटेगी, बीच में से नहीं फटेगी, तो हम लोग उस शीट को फिर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्विस्टिक शीट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। कोशिश तो मैं यही कर रहा था कि बहुत ध्यान से इन्हें मैं मूव करूं, बट कभी ना कभी एक दो मिस्टेक्स हो ही जाती हैं और वही हुआ, उसकी वजह से एक दो कॉर्नर्स में शीट थोड़ी फट गई, बट वो हमने कवर कर लिया जब हमने कत्तों की पेस्टिंग करी बैक साइड में। 2 से 3 और शीट रह गई हैं जिनमें हमें लगाना है, उसके बाद एकदम काम डन हो जाएगा। एक्चुअली अभी कम्प्लीट नहीं है, हाफ हमने बनाया हुआ है इस वॉल पे। इस वॉल का काम पूरा हो चुका है जो सामने वाली वॉल थी, एंड जो ये वाली वॉल है अभी इसमें अभी हाफ ही लगा है। इस साइड भी एक और शीट आएगी, बट कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो अगर आप नीचे देखोगे तो ये यहाँ पे ना जो पत्थर वाली लाइन, ये इससे थोड़ा नीचे आ गया। मेरा जो मेजरमेंट था वो था कि ये इसके एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा या इसे थोड़ा सा ऊपर आएगा, बट इसके नीचे नहीं आएगा। लेकिन गलती क्या हुई, गलती यहाँ नहीं हुई है, गलती हुई है सबसे ऊपर जो हमने टॉप लाइन में लगाया था वहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया है। अगर वो चीज़ सही लग जाती तो ही फिर ये यहाँ पे गैप नहीं बनता, क्योंकि ये फर्स्ट वाले जो थे वो फिक्स हो चुके थे, कुछ आ रहा नहीं था। ये वाली गलती हमने यहाँ पे नहीं करी। अभी जो ऊपर देखोगे ना जो टॉप लाइन है, क्योंकि यहाँ से लेके एग्जैक्टली यहाँ तक ये 9 फीट है। अब ये जो मैंने शीट लगाई 6 फीट की होती है, तो देखो ऊपर टॉप लाइन से मैंने स्टार्ट की, 6 फीट हो गया। अब ये जो बचा है 3 फीट हो गया। अभी मैंने नाप के देखा ये वाली शीट, अगर हम इसको ऐसे लेटाते हैं तो ये एग्जैक्टली इस वाली लाइन के ऊपर ही आ रहा है, इससे नीचे नहीं आएगा, जो कि एक परफेक्ट है। तो मेहनत ज़रूर है इस चीज़ में, लेकिन ये सेटअप मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये थी अपनी लास्ट शीट जो लग चुकी है यहाँ पे, और इस तरीके से अपना जो शीट का एक्विस्टिक फ्रेम था वो डिज़ाइन हुआ है। और ये मैंने सपोर्ट के लिए लगाया हुआ है, ये लाइट स्टैंड है, ताकि क्योंकि ये थोड़ा रफ़ है और अभी अभी लगाया तो इसको थोड़ा वैसे तो चिपक चुका है, लेकिन वो थोड़ा दीवार से सटा रहे और मॉर्निंग तक एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। बाकी सब जगह एकदम मस्त तरीके से चिपक गया है। तो जितना भी ये सब मैस हो रखा है इस सबको क्लीन करेंगे और तब आपको रूम दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है। हालांकि सब काफ़ी सारी चीज़ें जो वैसी रहेंगी, जैसे ये वाली वॉल अभी ये ठीक नहीं होने वाली, इसको आगे देखेंगे, बट जितना पोर्शन वीडियो में दिखेगा वो बहुत अच्छा लगेगा।